तो मेडिसिनल केमिस्ट्री का ये डेफिनेशन है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरिया इनकॉर्पोरेटिंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन द रिसर्च फॉर बेटर एंड न्यू ड्रग्स, दैट इज अ ड्रग डिस्कवरी। अगर हम इसको अलग शब्दों में अगर डिफाइन करना चाहें तो मेडिसिनल केमिस्ट्री इज द साइंस विच डील्स विद द डिस्कवरी एंड डिजाइन, यानी नए ड्रग को ढूंढना और उसको डिजाइन करना। किसके लिए डिजाइन करना? नए और बेटर थेरापेटिक, न्यू एंड बेटर थेरापेटिक केमिकल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस केमिकल्स इनटू न्यू मेडिसिन एंड ड्रग्स। जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है ये ऐसा साइंस है जिसमें कि डिस्कवरी ऑफ ड्रग्स या नए मॉलिक्यूल्स या उसका डिजाइन किया जा रहा है। किस लिए? कि बेटर थेरापेटिक एक्टिविटी जो पहले है उससे अच्छा एक्टिविटी हो, या जल्दी एक्टिविटी हो, एक्शन फास्ट हो और क्यूर फास्ट होना चाहिए पेशेंट्स का, इसलिए मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्टडी होता है। जनरली मेडिसिनल केमिस्ट कैन मेक अ न्यू कंपाउंड, नए कंपाउंड्स बनाते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट यानी जो भी मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसको मेडिसिनल केमिस्ट कहते हैं। जैसे कि नए कंपाउंड बनाना, डिटरमाइन देयर इफेक्ट ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो भी कंपाउंड बना है उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस पर क्या इफेक्ट होता है उसको पूरी तरह से डिटरमाइन करना। अल्टर द स्ट्रक्चर, कंपाउंड का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज करना, अल्टर करना, जिसकी वजह से आपको जो इफेक्ट चाहिए और जितनी इंटेंसिटी में इफेक्ट चाहिए उतना ही मिलना चाहिए, कि ड्रग ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और ड्रग कम भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से स्टडी अपटेक, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। बॉडी के अंदर जाने के बाद आपके ड्रग ने या मेडिसिन ने एक्शन बता दी, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा? मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसके जो मेटाबोलाइट्स आएंगे वो बॉडी को अफेक्ट नहीं करने चाहेंगे और वो मेटाबोलाइट सेफली बॉडी के बाहर भी जाने चाहिए। तो ये सब प्रोसेस भी मेडिसिनल केमिस्ट्री की स्टडी में आते हैं। इसके बाद ड्रग का क्लासिफिकेशन, यानी जो भी ड्रग है हम उसको किस तरह से पढ़ सकते हैं, क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर चीफ सोर्स ऑफ एजेंट फॉर द क्यूर, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो एक तो क्यूर यानी जो भी डिजीज है उसको पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए या उसकी एक्टिविटी कम ज्यादा करने के लिए या डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज है। क्लासिफिकेशन जो है वो अलग अलग बेसिस पे हो सकता है, जैसे कि ये कहाँ मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं। अगर नेचुरल ओरिजिन से है तो नेचुरल कंपाउंड, और पूरी तरह से अगर आप उसको सिंथेसाइज कर रहे हैं लैब के अंदर तो सिंथेटिक कंपाउंड्स, और अगर आप नेचुरल का यूज कर उससे में कुछ केमिकल ऐड कर अगर बना रहे हैं, वह सेमी सिंथेटिक, पूरी तरह से सिंथेटिक नहीं है क्योंकि पूरे केमिकल्स आप लैब में नहीं बना रहे, कुछ पार्ट्स आप तो नेचर से भी ले रहे हैं, उसे सेमी सिंथेटिक। देखते हैं वन बाय वन। नेचुरल कंपाउंड्स, मटेरियल्स ऑब्टेंड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसे मटेरियल जो कि प्लांट और एनिमल से लिए जाते हैं और उसको थोड़े से बहुत मॉडिफिकेशन यानी कि उसका थोड़ा सा प्योरिफिकेशन वगैरह किया जाता है, विटामिन, हार्मोन, अमीनो एसिड, एंटीबायोटिक्स, अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, ये सब हो गए नेचुरल कंपाउंड। दूसरा जो है सिंथेटिक कंपाउंड्स, आइदर प्योर सिंथेसिस और सिंथेसिस नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड, जैसे कि मॉर्फिन है, ये हमें नेचुरल में भी मिलेगा और सिंथेटिक, यानी हम इसको ओपीएम के थ्रू, नेचुरल कंपाउंड्स में अगर देखें तो ओपीएम थ्रू उसका एक्सट्रैक्शन होता है और कंप्लीटली हम उसको बना भी सकते हैं लैब में। एट्रोपिन, स्टेरॉइड्स, कोकेन टू रिड्यूस देयर कॉस्ट, क्योंकि नेचर से जब मिलता है तो उसका एक्सट्रैक्शन करने के बाद बहुत कम क्वांटिटी है, बट अगर हम सिंथेसाइज करेंगे तो ज्यादा क्वांटिटी मिलती है और कॉस्ट रिडक्शन होता है। सेमी सिंथेसिस कंपाउंड, सम कंपाउंड्स आइदर कैन नॉट बी प्योरली सिंथेसाइज और कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस इन लो कॉस्ट, जैसे कि मॉर्फिन है, नेचुरल सोर्सेस में महंगा गिरता है, सिंथेटिक में सस्ता होता है क्योंकि कॉस्ट कम है। मगर जब ये दोनों भी पॉसिबल नहीं है, पूरी तरह से नेचुरल भी नहीं है और पूरी तरह से सिंथेटिक भी नहीं, तो उस केस में दोनों को कॉम्बिनेशन है, इसका मटेरियल यूज करते हैं नेचुरल का जो स्टार्टिंग मटेरियल, इंटरमीडिएट मटेरियल, और उसको फिर मॉडिफिकेशन करके और उसका सिंथेसिस में यूज करते हैं। कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल इन लोकल, देयरफॉर इन नेचुरल इंटरमीडिएट ऑफ सच ड्रग्स कुड बी यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस, यानी कुछ पार्ट नेचर से लेकर बाकी पार्ट लैब में बनाना, इसको हम सेमी सिंथेटिक। नेक्स्ट,
another classification. There is no certain relation between chemical structure and pharmacological activity. Therefore, it would be unwise to arrange all drugs on the basis of their structure or origin. क्योंकि structure के ऊपर activity depend नहीं. Similar structure can give effect in a two different activity. अलग-अलग activity भी बता सकते. Thus, it is better to arrange the drugs according to their medicinal. उसके medicinal use की हिसाब से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं. ओके, तो इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन है. फार्माको डायनेमिक एजेंट्स, कीमोथेरेपिक एजेंट्स, इस तरह से. तो एक बाय एक, एक के बाद एक हम देखेंगे. ड्रग्स दैट एक्ट ऑन द वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक, हिप्नोटिक, सेडेटिव, सर्टन फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ द बॉडी. जनरल एनेस्थेटिक, अगर आप इसको देंगे तो एनेस्थेसिया हो जाएगा, यानी आपका जो जिस एरिया पर भी अप्लाई करें तो एनेस्थेटिक हो जाएगा. हिप्नोटिक एंड सेडेटिव, अगर ये ड्रग लेंगे तो नींद आएगी या इंसान सुस्त हो जाएगा उस तरह से. एनाल्जेसिक यानी पेन किलर, आप इसे लेंगे तो ये पेन किलर है. क्या होगा, ड्रग्स एक्टिंग ऑन वेरियस फिजियोलॉजिकल बॉडी पर, नहीं तो बॉडी के फंक्शंस पर काम कर. Chemotherapeutic agent, those drugs which are used to fight pathogenic, example, okay? Chemotherapeutic, यानी जो pathogens है उनको avoid करना है या उनको मारना है, जो कि body में pathogens की वजह से diseases हो रहे हैं. तो है sulfonamides, antibiotics, antimalarial agents, antiviral, anti-cancer, etc. ये सब agents जो है, जो भी हमारे body के अंदर foreign body भी है, उसको kill करने के लिए ये use. ड्रग्स कैन ट्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, उसके ऊपर भी क्लासिफिकेशन हो सकता है. इन्फेक्शियस डिजीजेस, जो कि इन्फेक्शन पर्सन से पर्सन, जो कि कोरोना है तो इन्फेक्शियस डिजीज है. बॉर्न ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय आउटसाइड एजेंट्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, इस वजह से जो कि इसमें रिस्पॉन्सिबल. तो ये हो गया इन्फेक्शन. इसमें जो ड्रग्स यूज होते हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज के लिए हम कह सकते हैं. Drugs used in infectious disease, non-infectious disease, disorders of human body. Human body caused by genetic malfunction. यानी हमारे body के अंदर malfunction की वजह से अगर कुछ होता है, जैसे कि allergic है, environmental factors, stress, old age, etc. Diabetes, heart disease, cancer, hemophilia, asthma, mental illness, stomach ulcer. ये जो डिसीजंस है ये किसी भी वजह से हो सकते हैं, बॉडी की चेंजेस की वजह से, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, एलर्जीज की वजह से. तो ये सब नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस है, नॉन डिसीजेस, नॉन डिसीजेस, डिसीजेस नहीं है बट किसी वजह से होता है. जैसे कि एलिवेशन ऑफ पेन, एनालिसिस, डिसीज नहीं है बट पेन हो रहा है, कि आप अगर एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तो बॉडी पेन होगी, ये तो डिसीज नहीं है बट ये इसका भी क्यूर जरूरी है. तो एलिवेशन ऑफ, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, कोई डिसीज है उसके पास एनेस्थेसिया, ये हमें कुछ तो और करना है बट सर्जरी कर रहे हैं तो उसका हम यूज कर. तो ये सब क्लासिफिकेशन है डिफरेंट डिफरेंट वाला. तो अब जो हम देखेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, ड्रग का फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ड्रग के बायोलॉजिकल एक्शन पे क्या इफेक्ट करता है उसे हम पढ़ेंगे. Drug action results from the interaction of drug molecule with either normal or abnormal physiological process. यानी body के अंदर अगर आपका drug चले जाता है तो वो क्या action बताएगा, यानी body के body parts पर, organs पर, cells पर, या फिर उसके function. Drugs normally interact with the targets which are, they are proteins, enzymes, cell lipid or piece of DNA or RNA. किसी पर भी ये अटैक होगा और उसके बाद ये एक्शन होगा. द एबिलिटी ऑफ अ केमिकल कंपाउंड टू इलिसाइट अ फार्माकोलॉजिकल थेरापेटिक इफेक्ट इज रिलेटेड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स वेरियस फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज. ये जो इफेक्ट दिखता है, जैसे कि आपका ड्रग इंटरैक्ट होना है प्रोटीन से, एंजाइम से, लिपिड या डीएनए आरएनए, तो वो वहां तक पहुंचना चाहिए. पहुंचने के लिए आपका ड्रग सोल्यूबल होना चाहिए, लिपिड सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल,
फिर उसके बाद उसमें एसिड अटैक जो हमारे स्टमक में, उसको बियर करना चाहिए, फिर वहां से वो एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर वो सभी तरफ चला जाएगा। इस तरह द मोस्ट फार्माकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस्ड ईएल फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक मेडिसिनल एजेंट्स आर, जो कि सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं आपके एक्शन, जैसे कि सोल्यूबल ही नहीं है आपका ड्रग तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो एक्शन तो बताना दूर की बात। उसी तरह से तो कुछ इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि सोल्युबिलिटी, सोल्यूबल होना चाहिए वाटर सोल्यूबल या लिक्विड से। उसके बाद एसिडिटी एंड बेसिसिटी, उस ड्रग एसिड है या बेस है। उसके बाद उसकी रिएक्टिविटी कैसी, वो मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है या स्टेबल है। अगर आप ऑर्गन को बॉडी के अंदर डालें कुछ भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्गन इज स्टेबल है, वो नॉन रिएक्टिव है, उसका ऑफसेट कंप्लीट है। तो वो अगर इनकम्प्लीट रहा तो ही वो स्टेबिलिटी के लिए जब वो सर्च आउट करेगा इलेक्ट्रॉन तो इंटरेक्शन होगा, सोल्युबिलिटी होगी, एसिड बेसिक बेसिक का एसिड के साथ इंटरेक्शन होगा, इस तरह से हमारे बॉडी में वो काम कर पाएगा। अगर वो अनस्टेबल, अगर वो स्टेबल है तो नॉन रिएक्टिव। नेक्स्ट, तो एक बार एक के बाद एक देखेंगे, सोल्युबिलिटी, रिएक्टिविटी और एसिडिटी एंड बेसिसिटी। सोल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मेडिसिनल एजेंट्स, तो इम्पोर्टेंस ऑफ सोल्युबिलिटी में, फॉर्मुलेशन ऑफ अ ड्रग इन अप्रोप्रिएट डोसेज फॉर्म, फॉर्मुलेशन ऑफ अ ड्रग इन अप्रोप्रिएट डोसेज फॉर्म। कैसे, अगर वो वाटर सोल्यूबल है तो आप उसको हर डोसेज फॉर्म में ला सकते हैं, टैबलेट बना सकते हैं, सिरप बना सकते हैं, सस्पेंशन बना सकते हैं सब। बट उसको और टेबिलिटी उसकी हो सकती है एसिड या बेसिक। ओके, इस तरह से बायो डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन ऑफ ओएमएस, ऑर्गेनिक मेडिसिनल एजेंट इन द लिविंग सिस्टम आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, बॉडी में जाने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ADME ये होता है। तो उसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म और उसका एक्सक्रीशन, ये सब भी सोल्युबिलिटी पर डिपेंडेंट है। द सोल्युबिलिटी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एफिनिटी, फिलिसिटी और रिपल्शन और फोबिसिटी, हेटरोफोबिक है, हेटरोफिलिक है, लिपोफिलिक है, लिपोफोबिक है, तो आइदर इन एक्वियस और लिप, यानी वाटरफिलिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, इस तरह से। तो हाइड्रोफिलिक अगर है तो वाटर लविंग है, यानी वाटर के साथ इसका इंटरेक्शन इजीली हो सकता है। लिपोफोबिक यानी लिपिड के साथ इसका इंटरेक्शन बहुत कम होता है या जो कि ना के बराबर। लिपोफिलिक यानी लिपिड लविंग है, लिपिड डिजोल्विंग। हाइड्रोफोबिक यानी वाटर में इनसोल्युबल है, वाटर के साथ बहुत कम या ना के बराबर इसकी रिएक्शन या सोल्युबिलिटी होती है। नेक्स्ट, सोल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मेडिसिनल एजेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक मेडिसिनल एजेंट्स पोसेसेस बैलेंस सोल्युबिलिटी, हैव सम डिग्री ऑफ सोल्युबिलिटी इन बोथ एक्वियस एंड लिपिड। अब जैसे कि 100% सोल्यूबल है वाटर में, तो उसका कुछ ना कुछ परसेंट वो लिपिड में सोल्यूबल होता है या इंटरेक्शन होता ही है। ओके, क्योंकि बॉडी में जब जाएगा तो पूरा वाटर सोल्यूबल रहेगा, जैसे कि विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है बट बॉडी एब्जॉर्ब करती है, एक्सेस हुआ तो यूरिन के थ्रू निकल जाता है, इट इज ऑल्सो द लिपिड सोल्यूबल। विटामिन सी लिपिड सोल्यूबल भी है बट बहुत कम एक्सटेंट में, इसीलिए उसका। तो देखिए, मेजॉरिटी ऑफ पॉसिबल बैलेंस यानी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि दोनों में होती है, उसका डेफिनेटली झुकाव एक की तरफ ज्यादा होगा बट दूसरे में बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं। सम टू सम एक्सटेंट, अगर 99% वाटर सोल्यूबल है तो 1% लिक्विड सोल्यूबल रहेगा, और ऑर्गेनिक जो एजेंट्स है, मेडिसिनल एजेंट्स है, दोनों में होते हैं, क्योंकि इनमें एसिडिक स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर दोनों भी। बिकॉज देर इज अ नीड फॉर ओ एम ए टू मूव थ्रू बोथ एक्वियस एंड लिपिड मीडिया, क्योंकि बॉडी में तो दोनों मिक्स है, वाटर मीडिया भी है और लिपिड मीडिया है। तो प्लाज्मा, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, साइटोप्लाज्म, ये एक्वियस मीडिया है, इसमें भी ड्रग को जाना है, उसके बाद लिपिड मीडिया यानी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना, इसलिए वो दोनों में सोल्युबिलिटी होनी चाहिए। ओके, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द ज्यादा से ज्यादा होते हैं, या फिर मेडिसिनल की में इस तरह से डिजाइन करते हैं इस मेडिसिनल एजेंट को कि दोनों में भी सोल्युबल हो टू अ सम एक्सटेंट। जब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से जाना है तो लिपिड लिपोफिलिसिटी या लिपिड सोल्युबल कैरेक्टर काम करेगा, और जब वाटर में रहेगा तो वाटर सोल्युबल कैरेक्टर काम करेगा। ओके, स्ट्रक्चर में दोनों मॉलिटी आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
solubility of organic medicinal agent should be viewed as being on a continuum between high lipophilicity on one end of the spectrum and hydrophilicity on the other. अब जो इसमें हम देख रहे हैं ये lipophilic है इधर और इधर hydrophilic. Equally soluble organic medicinal agent यानी दोनों में इक्वली है. अब मोर लिपोफिलिक जो है वो इधर साइड में आएंगे और ज्यादा हाइड्रोफिलिक इधर साइड. इन ऑर्डर फॉर अ केमिकल कंपाउंड टू डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट और मीडियम द कंपाउंड मस्ट एस्टैब्लिश अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन इटसेल्फ एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट. सोल्यूबल होने के लिए सोल्यूट और सॉल्वेंट में अट्रैक्शन होना चाहिए तो ही सोल्यूबल होगा. अब हमें स्ट्रक्चर ऐसा चाहिए कि जहां जरूरत है वहां लिपोफिलिक यानी लिपिड मीडियम के साथ इंटरैक्ट हो और जहां जरूरत है वहां पर हाइड्रोफिलिक यानी वाटर के साथ इसका इंटरैक्शन हो यानी सोल्यूबल. तो इसीलिए दोनों में होता है. ओके, अगर आपको न्यूरोनल सिस्टम पे काम करना है तो उसमें लिपोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए क्योंकि उधर वाटर का एक्सटेंट कम. और नॉन न्यूरोनल पर अगर काम करना है तो हाइड्रोफिलिक क्योंकि बाकी बॉडी में जो है वाटर ज्यादा लिपिड कम होता है. ओके, in order for a chemical compound to dissolve in a particular medium the compound must establish attractive force. It is possible to estimate the solubility properties of an organic medicinal agent hydrophilic versus lipophilic by examining the structure of OMA and noting whether its structural features promote affinity for aqueous or lipid. अगर उसमें एसिड कैरेक्टर ज्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर के साथ जाएगा, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है तो एसिड में डिजॉल्व होगा. उसी तरह से अगर आप स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे आपके मेडिसिनल एजेंट का तो उस स्ट्रक्चर में जितने भी पार्ट्स हैं उस पार्ट्स के ऊपर से आप बोल सकते हैं कि ये लिपोफिलिक हो सकता है या हाइड्रोफिलिक. ओके, एक्सटेंट किसका, जिसके ज्यादा कैरेक्टर रहेंगे उसका रहेगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बॉन्ड्स दैट इन्वॉल्व इन द सोल्युबलाइजेशन प्रोसेस. अभी जो सोल्युबिलिटी होती है काय पे डिपेंड होती है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स. आपका जो मेडिसिनल एजेंट बना है वो अलग अलग छोटे छोटे मॉलिक्यूल या एटम्स से मिलके बना एक दूसरे को ज्वाइंट होता है. ज्वाइंट होते टाइम उन्होंने बनाए हैं बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स, हाइड्रोफिलिक बॉन्ड्स, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इस तरह से. ये कौन से है जिसकी वजह से सोल्युबिलिटी, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ब्रेक हुआ बॉन्ड उसके साथ अटैच होगा. देखते हैं कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व. सोल्युबिलिटी के ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो होते हैं लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यानी जो वीक बॉन्ड होते हैं वो सिर्फ इसमें इन्वॉल्व. द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेज दैट आर इन्वॉल्व इन द सोल्युबिलाइजेशन प्रोसेस आर वंडरवॉल्स अट्रैक्शन. वंडरवॉल्स अट्रैक्शन वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर सबसे कम होता है. अगर ये है तो बहुत जल्दी सोल्युबल होते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं, ऑकर्स बिटवीन नॉन पोलर ग्रुप्स हाइड्रोकार्बन, जो कि पोलर ग्रुप में उसके अंदर ये ज्यादा दिखते हैं. हाईली डिस्टेंस एंड टेम्परेचर डिपेंड्स, अगर इसको थोड़ा सा दूर करेंगे आप उस आइटम्स को जिसमें कि वाटर वाले तो भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, या थोड़ा सा भी टेम्परेचर दे देंगे तो ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं. वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. उसके बाद जो थोड़े से स्ट्रांग होते हैं वो है डायपोल डायपोल बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू वंडरवॉल्स. 1 to 10 किलो कैलोरी पर मोल इतना इसका एनर्जी. ऑकर्स इलेक्ट्रोस्टैटिकली बिटवीन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एंड इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच जो अट्रैक्शन होता है ये पूरी तरह से बॉन्ड नहीं है. अगर पूरी तरह से बॉन्ड हो तो ये आयनिक बॉन्ड हो जाएगा बराबर, ये पार्शियल होता है. पार्शियल कैसे, जैसे कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इधर अट्रैक्ट होगा तो ये हो गया आपका डायपोल इंटरैक्शन. डायपोल यानी दो पोल के बीच का इंटरैक्शन, एक पोल एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल, डायपोल इनके बीच होने वाला ये इंटरैक्शन. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ दिस बॉन्डिंग एंड सर्व्स एज अ प्राइम कॉन्ट्रीब्यूटर टू हाइड्रोफिलिसिटी. ये जो है प्राइम इंपॉर्टेंट है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्पेसिफिक एग्जाम्पल फॉर दिस बॉन्ड डायपोल डायपोल पोल, और वो हाइड्रोफिलिसिटी यानी हाइड्रोफिलिक या वाटर में सोल्युबल होने के लिए अच्छा काम कर रहा है.
आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस, कॉमन इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड साल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, रिलेटिवली 5 किलो कैलोरी पर। ये जो है साल्ट जो होते हैं, जैसे कि आप सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड, सिट्रिजिन की गोली लेते तो वो एक्चुअल सिट्रिजिन नहीं है, सिट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड है, यानी उसका एक साल्ट बना हुआ है। जैसे ही बॉडी में जाएगा तो वो साल्ट डिजोल्व होगा वाटर में, फिर आपका सिट्रिजिन अलग और डाइहाइड्रोक्लोराइड अलग हो जाएगा इस तरह से। ओके, ये भी वाटर के लिए ज्यादा वाटर सोल्यूबल, या आपका ड्रग रिलीज करने के लिए आफ्टर द एसिड अटैक ये जल्दी कर। आयन डायपोल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स बिटवीन अ कैटायन एंड एनायन एंड अ डायपोल, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग 1 to 5 किलो कैलोरी पर, लो टेम्परेचर एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट, अगर डिस्टेंस भी दूर गया तो इनमें बॉन्ड ब्रेक होता है। इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन बिटवीन मेडिसिनल एजेंट्स एंड वाटर, इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन ये जल्दी वाटर सोल्युबल। उसके बाद सोल्युबिलिटी प्रिडिक्शन, हम प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं कि इसकी सोल्युबिलिटी वाटर में होगी या लिपिड्स। द रिलेटिव सोल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मेडिसिनल एजेंट इज अ फंक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बोथ लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक फीचर्स विद इन इट्स स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर अगर देखेंगे पैरासिटामोल का भी, तो उसमें OH भी है, इधर साइड से CH3 भी है, तो उस तरह से आपको चेंजेस दिखे। ओके, तो दोनों पार्ट्स होते हैं इसमें, तो उसी पार्ट्स की वजह से हमें लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक काम मिलता है। विद इन इट्स स्ट्रक्चर विच सर्व टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ इंटरक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मेडिसिनल एजेंट विद लिपिड एंड और एक्वियस फेज, यानी वो एक्वियस फेज में ज्यादा काम करेगा या लिपिड फेज में, इसके बारे में हमें ज्यादा। द रिलेटिव सोल्युबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक मेडिसिनल एजेंट कैन बी डिटरमाइंड इन द लैबोरेटरी, हम लैबोरेटरी में इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय द यूजिंग द पार्टीशन कोएफिशिएंट, द रेशियो ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैट इज टू द सोल्युबिलिटी ऑफ द सेम कंपाउंड इन द एक्वियस सॉल्वेंट, मींस लिपिड का एक सोल्यूशन बनाएंगे और एक्वियस का, और दोनों में इसका पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या है ये हम चेक कर सकते हैं। मैथमेटिकल प्रोसीजर ऑल्सो हैव बीन डेवलप्ड टू एस्टिमेट द रिलेटिव सोल्युबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बेस्ड अपॉन डिफरेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर के, मैथमेटिक्स के ऊपर से भी हम इक्वेशन जो है उससे भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। रिलेटिव सोल्युबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक मेडिसिनल एजेंट इज द सम ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट टू द ओवरऑल सोल्यूशन, यानी जितने ग्रुप है हर एक की सोल्युबिलिटी अगर हम उसमें इक्वेशन में डालते तो हमें फाइनली मिल जाए। एग्जामिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोराम पेनिकॉल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ बोथ लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट्स, ये है क्लोराम पेनिकॉल का स्ट्रक्चर। अब इसमें अगर आप काउंट करेंगे तो NO2 हाइड्रोफिलिक है, बेंजीन रिंग लिपोफिलिक है, ये बाकी जो OH और वो है ये हाइड्रोफिलिक है, तो CHCl2 लिपोफिलिक है, CH2OH हाइड्रोफिलिक, 1, 2, 3 हाइड्रोफिलिक है, 2 लिपोफिलिक। तो देखिए द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप यूजुअली एनहांसेस वाटर सोल्युबिलिटी, व्हाइल लिपिड सोल्युबिलिटी इज एनहांस्ड बाय नॉन आयनाइजेबल हाइड्रोकार्बन चेन्स एंड रिंग्स। इस तरह से भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये कौन सा हो सकता है। अब इसमें हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा हाइड्रोफिलिक, बट लिपोफिलिक इज ऑल्सो। अब देखिए लेबोरेटरी एस्टिमेशन, the relative solubility of an organic compound is measured by determining the extent of its distribution into aqueous solute, usually pH 7.4 buffer, and lipid solute, usually N octanol. यहाँ पर लिपिड को N octanol में और वाटर को 7.4 buffer. These experiments generate a value P, the partition coefficient for the particular compound. जैसे हम partition coefficient निकालते हैं उसी तरह से इसको निकालते हैं N octanol to मैथमेटिकल रिलेटिव सोल्युबिलिटी कैसे है। सोल्युबिलिटी कंट्रीब्यूटर ग्रुप्स एंड सब्स्टिट्यूएंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज हाइड्रोफिलिक नेगेटिव वैल्यू और लिपोफिलिक पॉजिटिव वैल्यू, फ्रैगमेंट कॉन्स्टेंट, लॉग पी कैल इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स, लॉग पी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट, ओके, सम ऑफ हाइड्रोफिलिक माइनस लिपोफिलिक कॉन्स्टेंट, लिपोफिलिक
जो है उसके वैल्यू जो होते हैं, फ्रैगमेंट्स हमें देखना है। जैसे किसी एलिफेटिक है तो पॉजिटिव 0.5, अगर बेंजीन है तो 2, क्लोरीन है तो 0.5, नाइट्रो ग्रुप है तो 0.2, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को 0.65, सल्फर को 0.5, इस तरह से अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करेंगे तो आपको डायरेक्टली लॉग पी कैलकुलेट मिल जाएगा। कैलकुलेशन स्टेट फॉर लॉग पी ऑफ ओएमए कैसे कैलकुलेट करेंगे? द मॉलिक्यूल इज डिसेक्टेड इनटू इट्स वेरियस ग्रुप फंक्शनैलिटीज एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। एप्रोप्रिएट हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक फ्रैगमेंट कॉन्स्टेंट्स आर असाइंड एट सम। उसको असाइन करो, हाइड्रोफिलिक फाइंड आउट करो, लिपोफिलिक फाइंड आउट करो, जैसे हमने क्लोरामफेनिकोल में किया है, उसके वैल्यूज उसको असाइन कर दो और फिर उनका कैलकुलेशन करो। कंपाउंड्स विद लॉग पी कैल वैल्यूज ग्रेटर देन 0.5 आर कंसिडर्ड वाटर सोल्यूबल, दैट इज सॉरी वाटर इनसोल्यूबल, दैट इज लिपोफिलिक, एंड दोज विद लॉग पी कैलकुलेटेड वैल्यूज लेस देन 0.5 आर कंसिडर्ड एज वाटर सोल्यूबल। 0.5 से ऊपर है तो लिपोफिलिक, 0.5 से नीचे है तो हाइड्रोफिलिक। ओके, अब अगर यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड का आप देखेंगे तो फिनाइल का वैल्यू +2, OH का वैल्यू 1 और फिनाइल फिनाइल ग्रुप का तो 0.2 आ गया इसका। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है 0.65, समेशन इस सब का हो गया 0.95, COH का 0.95 और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का यहाँ पर ये नहीं है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो क्या आ गया इसका 0.। ओके, तो प्रिडिक्शन जो है इसका वाटर इनसोल्युबल, क्योंकि 0.5 से और ये वाटर सोल्युबल। ओके, क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप,